प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय श्री। आज के सुसमाचार में हम इस बात पर मनन चिंतन करेंगे कि केसर को कर देना उचित है या नहीं। एक दिन फरीसी और हेरोदियों ने मिलकर प्रभु से प्रश्न किया, क्या केसर को कर देना उचित है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फरीसी और हेरोदी दो विचारधारा के लोग थे, फिर भी प्रभु को फंसाने के लिए वे एक साथ मिलते हैं और प्रभु को फंसाने के लिए प्रश्न करते हैं। वे प्रभु के पास आकर प्रश्न करते हैं, क्या केसर को कर देना उचित है या नहीं। प्रभु ने उनसे कहा, एक सिक्का लाके मुझे दिखाओ। वे सिक्का लाते हैं कर देने का। आप प्रभु उनसे प्रश्न करते हैं, इस सिक्के पर किसका चेहरा अंकित है। वे कहते हैं केसर का। और प्रभु बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब देते हैं। प्रभु कहते हैं, जो केसर का है केसर को दो और जो ईश्वर का है ईश्वर को दो। कर के बारे में उन लोगों ने प्रश्न किया था, लेकिन प्रभु एक बहुत अजीब सा जवाब उनको देते हैं और वे चुप हो जाते हैं। जो केसर का है केसर को दो, जो ईश्वर का है ईश्वर को दो। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों से प्रभु हमको सोचने के लिए विवश करते हैं, बहुत मनन चिंतन करने के लिए विवश करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। मुझे और आपको ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया, मतलब हम सब ईश्वर के हैं। कुलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस अपने पहले पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 में समझाते हैं, ईश्वर के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई, सब कुछ चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो अदृश्य और स्वर्ग तूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। संत पौलुस का यह कहना है, ईश्वर ने न केवल मनुष्य की सृष्टि की लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की और स्वर्गदूतों की श्रेणियों की भी सृष्टि ईश्वर ने ही की है। मतलब मनुष्य और स्वर्गदूत ईश्वर के हैं। हम सब पर ईश्वर का चेहरा अंकित है। युद्धि विवरण ग्रंथ में अध्याय 10 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, आकाश सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। स्तोत्रकार स्तोत्र 50 वाक्य 10 में कहते हैं, जंगल के सभी जानवर और पहाड़ों पर चरने वाले हजारों चौपाए मेरे हैं। वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, पृथ्वी और उसकी सभी वस्तुएं मेरी हैं। मनुष्य स्वर्गदूत जानवर पेड़ पौधे सब ईश्वर के हैं। इन सब पर ईश्वर का चेहरा अंकित है। हगाय के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। प्यारे भाइयों और बहनों, कहने का तात्पर्य है, हम सब ईश्वर के हैं और ईश्वर के प्रति हमें निष्ठा भाव से विश्वास रखते हुए उनको प्यार करना चाहिए, आदर देना चाहिए। हर दिन हमको ईश्वर को धन्यवाद देकर अपना जीवन बिताना चाहिए। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा शरीर भी ईश्वर ने, ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर के देन है। हमारे पास जो कुछ भी है यह सब ईश्वर का है। दानियल का ग्रंथ
अध्याय 4 हमें इसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझाता है। वहां पर यह बताया गया है कि राजा नबूकदनेस्सर बहुत बड़ा राजा होने के कारण घमंड करने लगता है और एक दिन वह अपने अपनी ताकत पर विश्वास जताते हुए, गर्व करते हुए, घमंड करते हुए अपने आप को सब कुछ का स्वामी प्रस्तुत करता है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 25 से हम पढ़ते हैं, राजा नबूकदनेस्सर पर यह सब बीती। 12 महीने के बाद राजा बाबुल में राजमहल की छत पर टहलते बोल उठा, कितना विशाल है ये बाबुल जिसे मैंने अपने अपार शक्ति से अपनी राजधानी बनाया, जिससे यह मेरा ऐश्वर्य बढ़ा है। राजा नबूकदनेस्सर सोचता है, मैंने अपनी शक्ति से, अपने वैभव से यह सब कमाया है, इसलिए वो गर्व करने लगता है और घमंड करने लगता है। लेकिन राजा ने जैसे यह कहना बंद किया, वैसे ही प्रभु ने उनसे कहा, राजा नबूकदनेस्सर तुम्हारे लिए यह संदेश है, तुम्हारे हाथ से राज्य छिन गया है, तुम मानव समाज से बहिष्कृत हो और तुम पशुओं के बीच रहोगे, तुम बैल की तरह घास खाओगे और तुम जब तक यह समझोगे कि मनुष्यों के राज्यों पर सर्वोच्च ईश्वर का अधिकार है और वह जिसे चाहे उसे दे सकता है, तब तक 7 वर्ष बीत जाएंगे। प्रभु ने राजा नबूकदनेस्सर को समझाया, तुम जो कह रहे हो वो सच्चाई नहीं है, प्रभु ही सब कुछ के ऊपर अधिकार रखता है, प्रभु का ही अधिकार है सब कुछ पर, इसलिए तुम्हें समझाने के लिए मैं कुछ करूंगा। तो क्या होता है, राजा का वैभव छूट जाता है, राजा के वैभव के दिन खत्म हो जाते हैं। नबूकदनेस्सर पर यह ईश्वर का वचन पूरा हो गया, तुरंत ही वह मानव समाज से बहिष्कृत हो गया और बैल की तरह घास खाने लगे। सोच लीजिए, वह राजा था लेकिन अब घास खाने लगे जानवर की तरह, और वो ओस से भीगा रहता था जानवर के समान, उसे अपना जीवन बिताना पड़ा। 7 वर्ष बीत जाने पर वो पछताता है और ईश्वर को अपना स्वामी, अपना सृष्टिकर्ता मानते हैं, और ईश्वर को जब वो महत्व देते हैं, ईश्वर को वो मानने लगते हैं, तब वापस ईश्वर उन्हें सब कुछ प्रदान करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमसे ईश्वर यही आशा करते हैं कि हम कभी ये बात न भूलें कि ईश्वर की सृष्टि है सब कुछ, ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की है, ईश्वर ने मेरी और आपकी सृष्टि की है, और हम पर ईश्वर का वैभव है, हम पर ईश्वर का चेहरा अंकित है, इसीलिए हमें हमेशा ईश्वर को ही धन्यवाद देते रहना चाहिए और हर दिन ईश्वर के प्रति धन्यवाद की भावना से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम दृढ़ संकल्प करें कि ईश्वर को ही हम महिमा देंगे, ईश्वर को प्यार करेंगे, उनको सब कुछ मानकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।